मैं आहत इसलिए हुआ था कि जिस आंदोलन को करोड़ों लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा, उस आंदोलन को भंते आनंद ने एक रात के अंदर नेस्ते नाबूद कर दिया, और 6 बरस तक ये भंते आनंद उस हिंदुओं के मैनेजमेंट में बैठा रहा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रज्ञाशील को, भंते आनंद को कभी भी इस आंदोलन से नहीं जोड़ना चाहिए। भंते आनंद मेरा मित्र है, लेकिन वैचारिक मतभेद मेरा अब से नहीं, उस भंते से हमेशा रहा है। भंते आनंद, मैं आपको ही बताना चाहता हूँ, 6 साल तक जो तुमने हिंदुओं के साथ रहकर जो मौज मारी और जो तुमने ऐसो आराम किया, तुम कहते हो कि भंते करुणाकर को मेंबर नहीं बनाया इसलिए जलन रखता है, इसलिए भंते करुणाकर आक्रोश भाषा में बोलता है, ऐसा नहीं है। गया और बोध गया दोनों अलग अलग स्थान हैं। गया बोध गया से करीब 16-17 किलोमीटर दूर है। बोध गया एक बौद्धों की वो पवित्र धर्म स्थली है और उसका महत्व वैसा ही है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, ईसाइयों के लिए यरूशलम, न्यूजीलैंड और पोलैंड, सारी दुनिया में बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल बोध गया को माना जाता है। और बोध गया में लाखों लोग, पूरी दुनिया के बौद्ध देशों के यात्री अपनी धार्मिक श्रद्धा और आस्था लेकर उस पवित्र स्थल पर आते हैं। लेकिन आज इस 150 करोड़ देश के सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र वाले देश में एक करीब सैकड़ों वर्ष से बौद्धों के ऊपर जुल्म हो रहा है। बौद्ध गया बौद्धों का वो पवित्र स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले बुद्धत्व प्राप्त किया था, और बुद्धत्व प्राप्त करके बुद्ध का संदेश सारी दुनिया के कोने कोने में गया। जापान और चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, श्रीलंका, बर्मा और तमाम देशों में भगवान बुद्ध की वजह से इस भारत माता का सर ऊंचा हुआ। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि उस पर पूरा का पूरा कब्जा उन लोगों का है जो न बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, न बुद्धिस्ट हैं, न बुद्धिस्टों से कुछ लेना देना है। केवल उनका एक ही लेना देना है, जो विदेशों से लोग आकर दान पेटका में जो करोड़ों डॉलर डालते हैं वो उनको किस प्रकार मिले। ये बुद्ध गया मुक्ति का आंदोलन करीब 100 बरस पहले परम पूज्य नागारिक धर्मपाल, श्रीलंका के जो निवासी थे, उन्होंने चलाया। उसके बाद सुरेश ससाई भंते ने इसे 91 में स्टार्ट किया और बड़े जोर शोर से 91 से लेकर 2004 तक वो आंदोलन इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त रहा कि सारी दुनिया में उसकी आवाज़ पहुंचने लगी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, उन आंदोलनकारियों ने
वहाँ के मैनेजमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर, बिहार प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर, वहाँ के कुछ हिंदू संगठनों से समझौता कर लिया। और जिस व्यवस्था का वो विरोध कर रहे थे, जिस 1949 एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिन हिंदुओं का विरोध कर रहे थे, उन्हीं हिंदुओं के साथ भंते आनंद, भंते सुरई ससाई और प्रज्ञादीप और एक भंते और आनंद देव उसमें शामिल हो गए। और इतना ही नहीं हुआ, आंदोलन तोड़ने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने भंते सुरई ससाई को माइनॉरिटीज का मेंबर बना दिया और भारत सरकार के अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बनने के बाद जो उस आंदोलन का मुखिया था वो जब सरकारी आदमी हो गया तो आंदोलन में कुछ बोल नहीं सकता। और इतना ही नहीं, भंते आनंद भी उसके मेंबर बन गए और भंते सुरई ससाई का जो ड्राइवर था कभी, जो भंते सुरई ससाई की गाड़ी चलाता था, जिसका नाम आज प्रज्ञा सील कहा जाता है, वो भी उस आंदोलन को छोड़कर, और उन्होंने एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, चार साल नहीं, लगातार 1996 से लेकर 2002 तक उस हिंदुओं के साथ में मैनेजमेंट में बैठे रहे। लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि हिमालयंस लोग, जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, हिमालयंस लोग जो दार्जिलिंग में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, आज उन लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया है। देर आए दुरुस्त आए, मैं इस आंदोलन की मीटिंग में अंबेडकर भवन पर गया था। मैंने कहा था कि आंदोलन, पहला जो आंदोलन था जिसमें करोड़ों लोग आए, और उस आंदोलन में महाराष्ट्र के उपासक उपासिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। वो भूखे प्यासे, कड़कती सर्दी, ठिठुरती सर्दी, कड़कती गर्मी, मूसलाधार बरसात में उन लोगों को मैं साधुवाद कहता हूँ, उन्होंने आंदोलन को बड़ी श्रद्धा के साथ और पूरी निष्ठा के साथ उस आंदोलन को चलाया। और वो इसलिए चलाया कि बुद्ध गया का मंदिर मुक्त होगा तो बौद्धों का वो एक दिन मंदिर बनेगा, और बौद्धों का जब विहार बनेगा तो सारी दुनिया में एक मैसेज जाएगा। लेकिन कुछ लालची लोगों ने, कुछ पदलोभियों ने अपने निज स्वार्थ के लिए उस आंदोलन को बेचकर उस आंदोलन को ख़त्म ही नहीं किया, बल्कि उस आंदोलन को नेस्त नाबूद कर दिया। और नेस्त नाबूद ही नहीं, जो करोड़ों लोगों की आस्था थी, जिन लोगों ने उस आंदोलन के लिए अपना खून पसीना बहाया था, इसमें मुख्य जिम्मेदार मैं भदंत आनंद को मानता हूँ, क्योंकि सरकार से और गवर्नमेंट से बातचीत करने का अधिकार उनको दिया था, और भंते सुरई ससाई और हम उस आंदोलन की रूपरेखा के लिए, उन आंदोलनकारियों को व्यवस्था करने के लिए हम लोग रहते थे। लेकिन भंते आनंद ने अंदर ही अंदर, ये बात मैं कोई लिखित में कह रहा हूँ, भंते आनंद 6 बरस तक हिंदुओं के साथ बैठे रहे और उन्होंने उस आंदोलन को ख़त्म करने का सबसे ज़्यादा, यदि इसमें भूमिका रही है तो भंते आनंद की रही है। सुरई ससाई तो हिंदी भी नहीं जानते, अंग्रेजी भी नहीं जानते, उस बेचारे को जापानी आदमी है, उसको कुछ पता नहीं, लेकिन इस आंदोलन को सारे देश के भंते जानते हैं, बुद्ध गया के लोग जानते हैं, सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि इस आंदोलन को नित स्वार्थ के लिए भंते आनंद ने सरकार से समझौता करके अपने ऐशो आराम के लिए प्रज्ञाशील को जनरल सेक्रेटरी बनाया और स्वयं उसमें मेंबर रहे। लेकिन प्रज्ञाशील तो केवल एक रबड़ की मोहर था, लेकिन सारा का सारा काम, सब कुछ भंते आनंद देखते थे। जब हम लोग जो आंदोलनकारी जाते थे उसके अंदर, तो हम लोगों को खदेड़ के बाहर करवा दिया जाता था और हम लोगों से बात भी नहीं की जाती थी, ये लोग आराम से उसके अंदर बैठते रहते थे। लेकिन इन लोगों से हमने कहा कि तुम्हारा जो बौद्धगया का आंदोलन था वो नियुक्ति के लिए नहीं था, मुक्ति के लिए था, लेकिन तुम तो नियुक्त हो गए। जब ये नियुक्त हो गए तो इनके खिलाफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल बनाकर
इनका विरोध किया गया और ये बाहर निकल गए। उसके बाद इन्होंने आंदोलन को धराशायी कर दिया। तो मैं कहना चाहूँगा जो हिमालयंस लोगों ने आकाश लामा और उनके साथ जो लोग हैं, इसमें पुराने किसी भी आंदोलनकारी को अपने मूवमेंट में मत रखना, और मूवमेंट में रखने से पहले ये निश्चित करना कि पुराने जो आंदोलनकारी, जो बेईमान लोग, जो लोग सरकार से समझौता करके 6 वर्ष तक हिंदुओं के मैनेजमेंट में बैठकर जिन्होंने मलाई खाई है, ऐसो आराम किया है, उन लोगों को कदापि इस आंदोलन में मत लेना। उन लोगों को जो हिंदुओं के जो आंदोलनकारी थे, जो हिंदुओं के मैनेजमेंट में जिस व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे कि वी वांट टू चेंज अमेंडमेंट, वी डोंट वांट मैनेजमेंट विद हिंदू, हम लोग 1949 एक्ट का विरोध करते हैं, हम हिंदुओं के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग बनते आनंद, बनते प्रज्ञाशील और एक बनते और, ये खुद उस मैनेजमेंट के अंदर ये कहते थे हम अंदर देखने जा रहे हैं क्या हो रहा है। हमने कहा चलो तुम चले जाओ, 1 साल बैठे रहे, 2 साल बैठे रहे, 3 साल बैठे रहे, दूसरा टर्न आया, 6 साल बैठे रहे, 6 साल के बाद दोबारा भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट पर इतना दबाव पड़ा जिससे कि बोधगया की शांति भंग न हो जाए, इसलिए भंते आनंद को और इनको हमेशा हमेशा के लिए BTMC से, उस मैनेजमेंट से अलग कर दिया गया। मैं अभी भी हिमालयंस लोगों को कहना चाहूँगा, आकाश भाई को कहना चाहूँगा, लामा को कहना चाहूँगा, चाहो इसमें कोई भी भंते कभी भी मैनेजमेंट में पुजारी के रूप में किसी को रखना है तो रख लेना, लेकिन मैनेजमेंट में किसी भिक्षु की जरूरत नहीं है, उपासकों की जरूरत है। और इस मैंने ये जो आंदोलन चल रहा है, तुम कहीं भंते आनंद को इसमें मत ले लेना, भंते प्रज्ञाशील को मत ले लेना, नहीं तो सारे देश के भंते इसका विरोध करेंगे। ये लोग दूर से सहयोग करना चाहते हैं करें, पैसा देना चाहते हैं करें, लोग लाना चाहते हैं लें, लेकिन इसका निर्देश और आदेश और जो आइडियोलॉजी, जो एजेंडा बनेगा, उस पर कहीं भी इनके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, और गवर्नमेंट से बातचीत करने में भी इनका कोई सहयोग नहीं लेना चाहिए। क्यों कि मैं बहुत आहत हुआ था, मैं आहत इसलिए नहीं हुआ था कि उसमें मुझे मैनेजमेंट में नहीं बनाया, मुझसे रात को बातचीत करने के लिए DIG जयंत आए थे, सेक्रेटरी आए थे, लेकिन बिमल सार भंते के सामने मैंने मना कर दिया था कि हम जो है इसमें नियुक्त होने के लिए नहीं आए, हम इस बुद्धगया को मुक्त कराने के लिए आए हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे मैनेजमेंट में एक भी हिंदू रहे। और मैं आज भी उस बात पर अड़े हूँ, मुझे इसमें कभी मेंबर नहीं बनना, लेकिन मैं जो हिमालयंस लोग जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, मेरा तन मन धन से सहयोग है, लेकिन प्रज्ञाशील से आपको सावधान रहना पड़ेगा, भंते आनंद से सावधान रहना पड़ेगा। इन लोगों ने ही पहले इतना जबरदस्त मूवमेंट चला, उसको नेस्त नाबूद कर दिया, उसको खत्म कर दिया, उसके जर्रे जर्रे कर दिया, उसको तार तार कर दिया। मैं देश के लोगों से, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग, उनसे अपील करना चाहूँगा कि इस अपने पवित्र स्थल को मुक्त कराने के लिए सड़कों पर आओ, अहिंसात्मक रूप से, संवैधानिक तरीके से इस बुद्ध गया के बौद्ध विहार को, महाविहार को बुद्धिस्टों के लिए हाथ में आना चाहिए। और मैं अपील करूँगा हिमालयंस लोगों से, लद्दाख के लोगों से, तमाम देश के लोगों से, दार्जिलिंग के लोगों से, नेपाल के लोगों से, बर्मा के लोगों से, थाईलैंड के लोगों से, जापान के लोगों से, जो सारी दुनिया के बौद्ध हैं, वो इसको मुक्ति करने के लिए आगे आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।